लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मारो कुत्ते को। काश भगवान ने मुझे बेटी के बदले बेटा दिया होता। माँ, उस दिन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। मुझे तुम्हारी सौगंध है माँ, मैं दुश्मन से बदला लेकर रहूंगी। क्या बोल रही बेटी? सोच रही हूँ काका, जब चिंगारी भड़कती है तो शोला बन जाती है, लेकिन जब शोला भड़कता है तो क्या होता है? बेटी, शोले की लपेट में जो चीज आती है ना, वो जल के राख हो जाती है। और जिसे मैं जलाकर राख बनाना चाहती हूँ, उसके दामन तक तो धुआं भी नहीं पहुंचा। मैं तेरे दिल की आग को अच्छी तरह समझता हूँ बेटी, लेकिन तू ही सोच, हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान ने मुझे लड़की के रूप में जन्म जरूर दिया है काका, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि हिंदुस्तानी औरत जब कुछ करने की ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी चट्टान भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन रास्ता तो मालूम होना चाहिए बेटी, अंधेरे में भटकने से मंजिल तो नहीं मिलती। लगन अगर सच्ची है तो मंजिल अपने आप कदमों में बिछ जाती है। मैंने भी कसम खाई है कि जब तक उस हत्यारे डाकू से अपने माँ बाप का बदला नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। अरे मेरी भोली बिटिया, पापी का पाप रंग लाए बगैर नहीं रहता। तू जिसे ढूंढ रही है ना, पुलिस को भी उसकी तलाश है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कानून के लंबे हाथ उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लेंगे। घोड़े से उतर जाओ। कौन हो तुम? तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये लड़कियों ने पिस्तौल रखना कब से शुरू कर दिया? जब से मर्दों ने चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया। ओह, ऐसी लगता है कि तुम्हारे गांव के मर्द चूड़ियां पहनते हैं। तको मत, तुम्हारी वजह से आज डाकू मेरे हाथ से बचकर निकल गए। तो तुम डाकुओं का पीछा कर रही थी? हाँ। तो तुम क्या समझे मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी? मैम साहब, अगर तुम मेरा पीछा करोगी ना तो बहुत फायदे में रहोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि डाकुओं तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली निपट लूंगी उनसे। अकेला तो इंसान अपने आप से नहीं निपट सकता मैम साहब, वो तो फिर डाकू है। ठीक है ठीक है, तुम निकलो यहां से। हाँ निकल तो जाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि आप इस इलाके की चौकीदार हैं क्या? चौकीदार नहीं साहेब, मैं यहाँ की जागीरदार हूँ, ये सारी जागीर मेरी है। अच्छा, तो जागीरदार साहेबा एक बात बताइए, आप उन डाकुओं का पीछा किस खुशी में कर रही थी? ये मेरा जाती मामला है, तुमसे मतलब? बतला दीजिए मेम साहब, मैं बड़े काम की चीज हूँ। हो सकता है कि मेरी जात से आपके जाती मामले को कुछ फायदा पहुंचे। मेरा फायदा नुकसान सोचना तुम्हारा काम नहीं है, बेहतर यही होगा तुम यहां से फौरन चले जाओ। अच्छा मैम साहब, चला जाता हूं, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना, किसी ना किसी दिन हम जरूर काम आएंगे। चल बेटा। रोशनी कहाँ थी चार दिन से? कहीं भी तो नहीं काका, बस वो जंगलों में भटक रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मेरा ना सही, अपने खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। जवान लड़की का चार चार दिन घर से गायब रहना कोई अच्छी बात नहीं। काका तुम मेरी चिंता मत किया करो। कैसे ना करूं, जो माली पौधे को खून पसीने से सींचता है उसी में तो उसकी जान होती है। जान पर खेल करे तो इंसान मंजिल तक पहुंचता है, और मेरी मंजिल क्या है
ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं, इसी बात का तो दुख है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम हवा के पीछे भाग रही हो। हवा के पीछे? तो फिर तुम और क्या कर रही हो? तुम अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती हो, मगर किससे? न तुम उसका नाम जानती हो, न तुम्हें उसका ठिकाना मालूम है, और न तुमने उसको देखा ही है। मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हें मिल भी गया तो तुम उसे पहचानोगी कैसे? बेगुनाह का खून खूनी के सर पर चढ़कर बोलता है काका। मुझे अपने दिल पर पूरा भरोसा है, वो हत्यारा जब भी मेरे सामने आएगा मेरी दिल की धड़कन उसे पहचान लेगी। तुम? जी हाँ मैं। तुम इस गांव में कैसे आए? क्या इस गांव में आने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, मगर रोशनी को मालूम होना चाहिए कि इस गांव में कौन आया है और क्यों। रोशनी? मेरा नाम है। वाह, बहुत ही चमकदार नाम है। काम की बात करो, तुम हमारे गांव में किस लिए आए हो? अरे बात है, आपसे जिस जगह मुलाकात होती है वो जगह आप ही की निकलती है। वो कुआं जहां हम पहली बार मिले वो भी आप ही का था, वो खेत जहां हम दूसरी बार मिले वो भी आप ही के थे, ये गांव जहां हम तीसरी बार मिल रहे हैं ये भी आप ही का है। मुझे तो ऐसा लगता है वो घर जहां मैं जा रहा हूँ वो भी आप ही का निकलेगा। कहां जा रहे हो तुम? ठाकुर शमशेर सिंह के घर। ठाकुर काका से क्या काम है तुम्हें? काम तो बहुत कुछ था मेरे साथ, लेकिन इस मुलाकात के बाद सोचता हूँ कि ठाकुर साहब से आपका हाथ मांग लूँ, क्या इरादा है? अरे बाप रे, जब साहब मुझे तो इससे बहुत डर लगता है। ठाकुर साहब देखिए तो। काका, आप जा रहे हैं? ये अचानक मैं तुमसे आप कैसे बन गया? पहले आप मेरे लिए अजनबी थे। और अब? मैंने पूछा आप जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा ही। शायद आपको मालूम नहीं, मेहमान आता है अपनी मर्जी से और जाता है दूसरों की मर्जी से। यहाँ हमें रोकने वाला है ही कौन? आए थे अपनी मर्जी से, जाएंगे भी अपनी मर्जी से। और अगर तुम्हें कोई रोकना चाहे तो? तब की तब देखी जाएगी। अंधे हो क्या? ये मेरे खेत है, कोई घोड़े दौड़ाने का मैदान नहीं। अरे वाह, एक तो सारे खेत का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से आंखें दिखाते हो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मुझे कोई जरूरत नहीं जानने की, माफी मांगो और सीधा अपना रास्ता नापो। नहीं, शुक्र करो कि तुम एक लड़की हो, वरना ऐसी बेहुदा बात करने वालों का हम जमीन में गाड़ देते हैं। अरे जाओ जाओ, बड़े आए जिंदा गाड़ने वाले। शुक्र करो कि तुम परदेसी हो, जाओ माफ किए देती हूँ, लेकिन फिर कभी इन खेतों में घोड़े दौड़ाए तो कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जितनी गुस्ताख हो उतनी बहादुर भी, और हम हमेशा बहादुरों की कदर करते हैं। मुझे कहाँ खोगे तुम? कहीं भी तो नहीं। तो फिर चुप क्यों हो? मैं कुछ सोच रहा था। खैर छोड़ो उन बातों को, ये बताओ कि पहले बताओ क्या सोच रहे थे तुम? नाराज हो जाओगी। नहीं बताओगे तो जरूर हो जाऊंगी। तो फिर सुनो, मैं बच्चों के बारे में सोच रहा था। बच्चों के बारे में? किसके बच्चे? मेरे बच्चे। तुम्हारे बच्चे? तो क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं तो। तो फिर तुम्हारे बच्चे कैसे हुए? क्या बच्चों वाला होने के लिए शादी करना जरूरी है?
क्या मतलब? अरे मेम साहब, शादी के बगैर भी तो बच्चे हो सकते हैं। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ रोशनी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्यों निकले? अरे पहले मेरी बात पूरी तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, राजू, रानी, मिकी, बिल्लू, जीतू, चिंतू। अंकल आ गए। हाय जेनी, हाउ आर यू? कैसा है तू? अंकल अंकल, ये कौन है? तू बता शशि। ये हमारी नई मैट्रिन है। नहीं बेटे, ये तेरी नई मैट्रिन नहीं है। अंकल जी, ये हमारी नई टीचर है। नहीं, ये तुम्हारी नई टीचर भी नहीं है। तो फिर तुम सोचो। सोचो। मैं समझ गया। क्या समझ गया? तुमने बोला था ना कि हम तुम्हारे लिए मम्मी लाएंगे। ये मेरी मम्मी है। कभी कभी सोचता हूँ तो ताज्जुब होता है, कहाँ तुम और कहाँ मैं। ना उस दिन की मुलाकात होती, ना हम तुम मिलते, और ना ही ये कहानी बनती। ये सब इत्तेफाक की बात है विजय। नहीं रोशनी, इत्तेफाक सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं। बार बार सिर्फ वही होता है जो ईश्वर चाहता है, और ईश्वर क्यों चाहता है ये वही जाने। शायद तुम ठीक ही कहते हो। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इंसान को आंखें दी, कान दिए, काहे के लिए दिए? देखने और सुनने के लिए। क्यों? तो फिर लोग जानबूझकर अंधे और बहरे क्यों बन जाते हैं? क्या मतलब? सब कुछ जानकर अनजान क्यों बनती हो? कोई हजार आंखों में प्यार भरकर तुम्हें देखे, लाख अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दे, मगर तुम न देखो, न समझो, न पिघलो। ये तुम किसकी बात कर रही हो? उसी की, जो बेचारा मंदिर में टकटकी बांधे तुम्हें निहार रहा था। लगता है बड़ी हमदर्दी है तुम्हें उससे। अपनों को अपनों से हमदर्दी कैसे न होगी? मैं तो कहती हूँ, खेल ही खेलना है तो मेरी तरह खुलकर खेलो। चोरी चोरी क्यों? जैसे तुम बड़ी साहूकार हो। इसमें क्या शक है? वैसे एक बात है, तुम्हारे चुनाव का जवाब नहीं, लड़का लाखों में एक है। तुमने कहा देखा उसे? मैं तो रोज ही देखती हूँ। कहो तो बात छेड़ दूं? इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तुम्हें नहीं, मुझे तो है। तो यूँ कहो ना कि तुम्हें जल्दी है, आज ही कर दूं काका से बात। अरे भर। जल्दी बोल, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगी। बोल बोल, तू किसका आदमी है? नहीं बताएगा तो क्यों? तेरा बाप भी बताएगा। तो तुम विजय सिंह की बहन हो? हाँ। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाए हैं? उनसे ये भूल हो गई, उन्हें इस भूल की सजा भुगतनी पड़ेगी। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुमसे हमारा कोई बैर नहीं,
मेरे लोग तुम्हें यशपाल की बेटी समझ के यहाँ उठा लाए हैं। तो उनसे कह दो कि जिस तरह मुझे यहाँ लाए हैं उसी तरह वापस पहुंचा दे। घबराओ नहीं, हम डाकू जरूर हैं लेकिन जात के ठाकुर हैं। हमारे भी अपने ही उसूल होते हैं। मुझे तुम्हारे भाई से एक हिसाब चुकाना है, इसलिए हम तुम्हें फौरन वापस नहीं भेज सकते। तुम्हें कुछ दिनों के लिए हमारे यहां रहना होगा। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं जब तक तुम हमारे साथ हो यहां तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तुम हमारी मेहमान ही नहीं बल्कि एक बहन बनकर रहोगी। इसका मतलब है मेरे माँ बाप का खून अजय सिंह ने किया है, उसी से तो मुझे उनके खून का बदला लेना है। तुम? हाँ मैं, तुम्हारी मौत। मौत? मौत के पास क्यों आई है? एक पुराना हिसाब चुकाने। कैसा हिसाब? अनजान मत बनो अजय सिंह। अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरे माँ बाप का खून तुमने किया है तो ये खेल कब का खत्म हो गया होता। लड़की तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। अपनी नापाक जुबान से मेरी गंगा जैसे पवित्र माँ का नाम मत ले हत्यारे। भूलो मत लड़की, तुम ठाकुर अजय सिंह से बात कर रही हो। ठाकुर वो होते हैं जो बहादुर से अपनी जान दे देते हैं, चालाकी से किसकी जान नहीं लेते। दुश्मन पर काबू पाने के लिए कभी कभी चालाकी से भी काम लेना पड़ता है, और फिर जब दो दुश्मन टकराते हैं एक की जान तो जाती है। तो समझ ले आज तेरी जान मेरे हाथ से जाने वाली है। हमें यह देखकर खुशी हुई कि चूड़ियां पहनने वाले नाजुक हाथ खतरनाक हथियार से खेल सकते हैं। वक्त पड़ने पर ये हाथ आग भी उगल सकते हैं अजय सिंह। तो फिर देर किस बात की, हम भी तो नमूना देखें। अभी दिखाती हूँ, पहले ज्योति का पता चल जाए। ओ, तो तुम ज्योति को लेने आई हो, पहले क्यों नहीं बताया? हमारा तुम्हारा हिसाब बहुत पुराना है, बाद में चुका लेंगे। आओ पहले ज्योति से मिलाए तुम्हें। चालाक बनने की कोशिश मत करो, हाथ ऊपर उठाओ अजय सिंह और मुझे वहां ले चलो जहां ज्योति को छुपा रखा है। लड़की तुम हमारे दुश्मन हो लेकिन बहादुर भी, और अजय सिंह बहादुरों की कदर करना जानता है। मरने से पहले तुम्हें बदला लेने का पूरा मौका दिया जाएगा, ले जाओ इसे। चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा रानी, जरूर चला जाऊंगा, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। जरा तो सोचो, तुम भी जवान मैं भी जवान, पर ये सुहानी रात, जरा दिल के अरमान तो निकाल लो रानी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ते कमीने, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी गर्मी निकल जाएगी रानी। रानी के कुत्ते। Thank you.
क्यों? हो गए अरमान पूरे? उठ उठ साले। क्यों हो गई गर्मी ठंडी? हराम सादे। रानी रूपमती, तो इन कमबख्तों को चकमा दे सकती है, मुझे नहीं। तूने जो मेरे साथ सलूक किया है उसका मजाक चक। कौन हो तुम? अपने बाप को नहीं पहचानता? हाँ बदतमीज, जानता नहीं मैं कौन हूं? एक लड़की पर हाथ उठाने वाला ना मर्द। मर्द के हाथ क्या होते हैं आज मैं दिखाता हूं तुझको। उठ। उठ साले। चलो चलो। ज्योति कहाँ है? मैं नहीं जानता। अगर अब भी तूने नहीं बताया तो एक गोली तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। बोल। महाकाली के जंगल में। किस जगह? काली गुफा में। खबरदार, जो तुम करने आया हो, जहां तुम जा रहे हो वहीं से वापस आ रहा हूं। लेकिन ज्योति कहां है? शक्ति जानते हो, उन कमीनों ने ज्योति को इसी गुफा में कहीं छुपा रखा है। उन्होंने तुमसे झूठ बोला है विजय। मैंने इस गुफा पे चप्पर चप्पर छान मारा है, ज्योति यहां नहीं है। तो फिर उस हरामजादे को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा विजय। अब वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। क्यों? तुम खुद समझदार हो, कोई भी डाकू ज्यादा देर अपने अड्डे पे नहीं टिकता, और तुम उसका अड्डा देख चुके हो। तुम समझते हो वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो कहीं भी हो शक्ति सिंह, मैं उस कमीने को ढूंढ निकालूंगा। ये काम मुझ पे छोड़ दो, इस वक्त तुम्हारा मां के पास रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं,
मैं मां को ज्योति के बगैर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तुम क्या समझते ज्योति मेरी बहन नहीं है? जय, उन हरामजादों ने ज्योति को अगवा करके मेरे गिरेबा पर हाथ डाला है। दुनिया का कोई अंधेरा ज्योति को हमसे छुपा नहीं सकता। मैं तुम्हारा भाई हूं, इस वक्त मां की जान को खतरा हो सकता है। जल्दी घर जाओ, जाओ बेटे, मेरा कहना मानो, जल्दी जाओ। बेटी, रोशनी, यही कुत्ता तेरे बाप का कातिल है। नहीं रोशनी, नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। ये कुत्ता तो आईजी साहब की अमानत है। चल, शाबाश विजय, शाबाश। वापस आके देख लूंगा विजय सिंह। इंस्पेक्टर, टेक हिम। मेरी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। विजय, तो लाख के हकदार तो तुम हो ही, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा इनाम देने वाला हूं जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। Yes, sir.